हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी एवरीडे पे। और कल एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। जी हाँ, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। ये एक भाई बहन की बॉन्डिंग को दिखाता है, प्यार को दर्शाता है। भले ही हम कितनी भी लड़ाई तकरार कर लें, नोक झोंक कर लें, हर छोटी छोटी बातों पर लड़ें, मम्मी मम्मी कह के चिल्लाएँ, बट जो ये एक फेस्टिवल है ये दिखाता है कि एक बहन अपने भाई को कितना ज़्यादा प्यार करती है और एक भाई अपने बहन को कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है हर टाइम। तो बस एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बॉन्डिंग है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस फेस्टिवल में आप के जीवन में बहुत सारा प्यार आए, अफेक्शन आए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। तो बस इसी आशा के साथ, और कल इंडिपेंडेंस डे है उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही प्राउड डे है कल एज ए इंडियन हमारे लिए। तो बस कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा झंडा अपने घर पे आप ज़रूर लगाएं, इंडियन फ्लैग, जो कि बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होती है। साइज़ मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा जैसा भी हो, बट हाँ अगर पॉसिबल है तो ज़रूर करें। तो बस इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज एक मैं हेयर ऑयल का रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, ये हेयर ऑयल है बायोटिक का, बायो भृंगराज हेयर ऑयल। जी हाँ, ये जैसा कि इसमें लिखा है, बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा, ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। ये है बायो भृंगराज थेरेप्यूटिक ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। ओके, जैसा कि इसमें लिखा है, ये थेरेप्यूटिक ऑयल है फॉलिंग हेयर के लिए। थेरेपी है बेसिकली, ये नॉट जस्ट अ सिंपल हेयर ऑयल, इट्स अ थेरेपी। ये इंटेंसिव हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करो तो जैसा इसमें लिखा है, ये आपके हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वेल, ये लिखा है आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। देख सकते हैं आप, इस तरीके की पैकेजिंग है, इस तरीके से इसमें लिखा है। वेल, जहाँ तक बात है, टू यूज़ अप्लाई लिबरली टू ड्राई हेयर एंड स्कैल्प, मसाज इन जेंटली विथ सर्कुलर मोशंस, लीव ऑन फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर, रिंस वेल विथ वाटर। इसको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लेके आपको अपने स्कैल्प, पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना है, और सर्कुलर मोशन जैसे कि इस टाइप से पूरे फिंगर टिप्स की यूज़ से आपको पूरे स्कैल्प पे मसाज देनी है। एटलीस्ट हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स के लिए आपको छोड़ना ही छोड़ना है। बट इट्स वेरी नाइस कि अगर आप ओवरनाइट छोड़ दो, रात में आप सैटरडे नाइट या कभी भी नाइट में आप इसको अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करके मसाज दो, ओवरनाइट छोड़ दो, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि इसमें लिखा है, इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, दिस इज़ अ मेडिसिन नॉट जस्ट अ सिंपल हेयर ऑयल। तो इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही यूज़ करें, बिल्कुल भी इनटेक नहीं करें इसको। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है भृंगराज प्लांट, आंवला फ्रूट, टेसू फ्लावर, मुलेठी स्टेम, ब्राह्मी प्लांट, काउ मिल्क, गोट मिल्क, इन सारी चीज़ों से मिलके ये बना है थेरेप्यूटिक ऑयल। दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज़ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इसमें इन्होंने साफ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ये एक थेरेप्यूटिक ऑयल है जो कि आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन जैसा काम करता है। ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड फॉर सेफ्टी, नो एनिमल टेस्टिंग। ऑर्गेनिक है ये, प्योर है 100% और प्रिजर्वेटिव फ्री है, और एनिमल में ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया गया है, तो नो एनिमल हार्म है ये ऑयल। वेल, जब ये पैक हुआ था तो ये 120 ml है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी जो प्राइस है वो 159 rupees की है, और शेल्फ लाइफ इसकी 3 years की होती है। तो ये है पूरी बॉटल ऑयल की। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा बादामी सा कलर है इसका, देख रहे होंगे आप। और अगर इसकी हम टेक्सचर की बात करें तो स्टिकी है, काफ़ी स्टिकी है, बट बहुत रनी सा है ये। तो हेयर ऑयल जनरली ऐसे ही होते हैं। वेल, तो मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी ऑयल है, तो आपके ना बालों में ये बहुत बहुत मतलब आप इस इससे ऑयलिंग करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते बिल्कुल भी। आपको अगर आपने ये ऑयल यूज़ किया है तो आपको ओवरनाइट घर पे रह के नेक्स्ट डे आप इसको वॉश करोगे तभी आप बाहर जा सकते हो, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है आपके स्कैल्प को। वेल, अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल में कमी आएगी, कम होगा,
और जो भी आपका रीग्रोथ है हेयर वो भी होगा, बट हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्कैल्प टू स्कैल्प कि आपकी स्कैल्प कैसी है और वो किस तरीके से इसको ले रही है। मे भी हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आप इसको यूज़ करो तो हेयर फॉल आपको ज़्यादा दिखे, हो सकता है धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट आए, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। आप इसको एक बार अगर रेंज में आपको एक थेरेप्यूटिक ऑयल चाहिए, जैसा कि ये सिर्फ 159 रुपीज़ का है, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस, आप के साथ बिल्कुल जा सकते हो। बट अगर आप इसके अलावा मैं बोलूंगी कि बहुत से ऐसे अच्छे हेयर ऑयल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोकोनट ऑयल इज़ ऑल टाइम फेवरेट। आप सिंपल एक कोकोनट ऑयल भी अगर अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हो, वो इतना ज़्यादा नरिशमेंट देता है आपके बालों को कि काफ़ी अच्छा होता है। बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। किसी किसी को तो ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है, बट किसी किसी के हेयर्स पे उतना अच्छा काम नहीं करता। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड हेयर ऑयल, जो इसमें क्लेम किया है इन्होंने वो पूरा करता है। ये आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, रीग्रोथ भी करता है, बट स्टिकी काफ़ी है। और अगर स्मेल की बात करें तो थोड़ा थोड़ा मेडिसिन जैसा स्मेल है इसका, मतलब आपको उतना प्लीजेंट स्मेल नहीं आएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी एलर्जी है इस तरीके की स्मेल से, तो मे बी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है ये, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड हेयर ऑयल। मैं रिज़ल्ट की अगर बात करूँ तो जब मैंने लगाया था, तो जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मेरे को लगा कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बट धीरे धीरे जब 2-3 बार मैंने अप्लाई किया तो ठीक लगा मेरे को, ओके ओके लगा। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल वंडर प्रोडक्ट है, बट हाँ इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो बस यही मेरा टेक था। अगर आप जाना चाह रहे हो इस ऑयल के साथ बजट में, तो अच्छा ऑयल है, जा सकते हो आप। तो बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये रिव्यू, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियोस देखने हैं एंड रिव्यूज़ देखने हैं, ताकि मैं वीडियोस बना पाऊँ। और टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, सेलिब्रेट द फेस्टिवल लविंगली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।